नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ना बुआई के बारे में। शरदकालीन गन्ना बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में की जाती है। इस समय का जो तापमान रहता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का, वो गन्ना जमाव के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमको शरदकालीन गन्ना बुआई करने से पहले खेत तैयारी कैसे करनी है। खेत तैयारी के लिए सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई करने के बाद खेत को एक हफ्ते के लिए खाली छोड़ देना है, और उसके बाद आपको उसमें 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। गोबर की सड़ी हुई खाद में, जिसमें 50 से 60% तक नमी होनी चाहिए, उसमें ट्राइकोडर्मा का घोल उसमें मिलाकर छोड़ देना चाहिए छाव में, और उसके बाद आपको अंतिम जुताई पे उस गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और अब बात कर लेते हैं बीज चयन की। बीज चयन करते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि हमको स्वस्थ गन्ने का चुनाव करना है। स्वस्थ गन्ना क्या होता है? स्वस्थ गन्ना वह होता है जो किसी भी रोग से ग्रसित ना हो और गन्ने की जड़ें विकसित ना हुई हों, और गन्ने की जो बड्स होती हैं उस वो अंकुरित ना हुई हों। ये हो गया हमारा स्वस्थ गन्ना। तो स्वस्थ गन्ने को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आपको स्वस्थ गन्ने को लेकर उसके दो आँख वाले टुकड़े को काट कर अलग कर लेना है। उसके बाद आपको उसको हेक्जा स्टॉप या इमडा क्लोरोपिट किसी का भी घोल बनाकर उसमें आपको कम से कम 4 से 6 घंटा, अधिकतम 24 घंटे तक अपने बीज को भिगोकर रखें। उसके बाद अपने बीज को खेत में बुआई के लिए प्रयोग करें। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो जो हमारा बीज है वह रोगों से प्रभावित नहीं होता, जो रोग होता है वो भी खत्म हो, जो आगे चल के उसमें कोई भी रोग लगने की संभावना कम रहती। और बात करें हमको कूड़ काटते समय ट्रेंच विद का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारा गन्ना अधिक से अधिक उपज देता है। जो नवंबर से अक्टूबर के माह में हम गन्ना बुआई करते हैं वो 10 से 14 माह में तैयार हो जाता है और अच्छी उपज देता है। शरदकालीन गन्ने की बुआई करिए और अच्छी से अच्छी उपज लीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।